स्टडी जय स्टडी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। हमारा प्रयास आपकी सफलता के साथ। आइए आज मैं स्टार्ट करता हूँ ऑल इन वन कंप्यूटर का पार्ट 14। आज मैं आपको पार्ट 14 यहाँ पे डिस्कस करूँगा। पार्ट 14 में कुछ प्रश्नों को देखेंगे जो कि एसएससी, बैंकिंग, रेलवे प्लस अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। लेट्स बिगिन टू क्वेश्चन नंबर 1। प्रश्न संख्या 1 में कहा गया है डैश कमांड को क्रियान्वित करने की प्रक्रिया होती है। पहला फेचिंग, दूसरा स्टोरिंग, तीसरा एग्जीक्यूटिंग, चौथा उपरोक्त सभी, पांचवा इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। एग्जीक्यूटिंग जो होता है वो कमांड को क्रियान्वित करने की एक प्रक्रिया होती है, अर्थात ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 2 दिया गया है एक पेज फॉल्ट होता है। फॉल्ट होता है ऑप्शन 1 दिया गया है जब पेज मेमोरी में नहीं होता। 2 जब प्रोसेस प्रक्रिया ब्लॉक्ड स्टेट में प्रवेश करती है। 3 जब पेज मेमोरी में होता है। 4 जब प्रोसेस प्रक्रिया रेडी स्टेट में होती है। 5 इनमें से कोई नहीं। सही आंसर होगा आपका प्रश्न संख्या 2 का ऑप्शन नंबर 1, अर्थात एक पेज फॉल्ट तब होता है जब पेज मेमोरी में नहीं होता। नेक्स्ट वन क्वेश्चन नंबर 3। डीएमए विशेष रूप से डैश के बीच डेटा हस्तांतरण के लिए अनुकूल है। ऑप्शन नंबर 1 डिस्क ड्राइव और सीपीयू, 2 डिस्क ड्राइव और रैम, 3 डिस्क ड्राइव और रोम, 4 डिस्क ड्राइव और इनपुट आउटपुट, 5 इनमें से कोई नहीं। तो जो डीएमए हमारा विशेष रूप से होता है उसके लिए आपको याद रखना है डिस्क ड्राइव और रैम के लिए के बीच डेटा हस्तांतरण के लिए अनुकूल होता है। प्रश्न संख्या 4। कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम डॉस कमांड लाइन इंटरफेस शामिल रखता है। ऑप्शन 1 एंड्रॉयड, 2 यूनिक्स, 3 OS X, 4 विंडोज, 5 लिनक्स। तो सही आंसर होगा वो आपको याद रखना है विंडोज़। विंडोज़ हमारा एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जो डॉस कमांड लाइन इंटरफेस शामिल रखता है। प्रश्न संख्या 5। किस टॉपोलॉजी में एक मल्टी पॉइंट कनेक्शन की आवश्यकता होती है। ऑप्शन 1 मैश, 2 स्टार, 3 वर्स, 4 रिंग, 5वा है ट्री। तो सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 3। बस टॉपोलॉजी जो होती है उसमें मल्टी पॉइंट कनेक्शन की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट वन क्वेश्चन नंबर 6। किस प्रिंटर द्वारा एक स्टॉक में एक अक्षर प्रिंट होता है। ऑप्शन 1 लेजर प्रिंटर, 2 डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, 3 लाइन प्रिंटर, 4 प्लॉटर, 5वा इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 2 डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर द्वारा एक स्टॉक में एक अक्षर प्रिंट होता है। नेक्स्ट वन क्वेश्चन नंबर 7। एक नंबर सिस्टम बेस 2 के साथ डैश के रूप में जाना जाता है। एक ऐसा नंबर सिस्टम जिसका बेस 2 होता है। ऑप्शन 1 एकल नंबर सिस्टम, 2 बाइनरी नंबर सिस्टम, 3 ऑक्टल नंबर सिस्टम, 4 उपरोक्त सभी, 5 इनमें से कोई नहीं। सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 2 बाइनरी नंबर सिस्टम का जो बेस होता है 2 और नंबर होता है 0 एंड 1। नेक्स्ट वन क्वेश्चन नंबर 8। सबनेट के ऑपरेशन को डैश के द्वारा नियंत्रित किया जाता है। ऑप्शन 1 नेटवर्क लेयर, 2 डेटा लिंक लेयर, 3 डेटा लेयर, 4 ट्रांसपोर्ट लेयर, 5 इनमें से कोई नहीं। सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 1, अर्थात सबनेट के जो ऑपरेशन होता है उसे नेटवर्क लेयर के द्वारा नियंत्रित किया जाता है। नेक्स्ट वन क्वेश्चन नंबर 9। दो सिस्टम्स के बीच एक कॉमन बाउंड्री को डैश कहा जाता है। ऑप्शन 1 इंटरडिक्शन, 2 इंटरफेस, 3 सरफेस, 4 उपरोक्त सभी, 5 इनमें से कोई नहीं। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, अर्थात इंटरफेस के नाम से कॉल किया जाता है। नेक्स्ट वन क्वेश्चन नंबर 10। डैश एक ऑप्टिकल इनपुट डिवाइस है। कागज मीडिया पर पेंसिल मार्क को इंटरप्रेट करता है। ऑप्शन 1 OMR, 2 पंचकार्ड डेटा, 3 ऑप्टिकल स्कैनर, 4 चुंबकीय टैप, 5 इनमें से कोई नहीं। सही आंसर होगा OMR जो होता है वह एक ऑप्टिकल इनपुट डिवाइस होता है जो कागज मीडिया पर पेंसिल मार्क का इंटरप्रेट करता है। ऑल इन वन कंप्यूटर के सेशन में आज मैंने आपको यहाँ पे पार्ट 14 डिस्कस किया है। आपको ये पार्ट कैसा लगा और इससे पहले के पार्ट अर्थात पार्ट 1 से लेकर 13 तक आप देखने के लिए नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में लिंक पर आप जाकर ऑल इन वन कंप्यूटर की प्लेलिस्ट पर अगर क्लिक करेंगे तो 1 से लेकर 14 तक के सभी पार्ट आपको मिलेंगे। वीडियो को लाइक कीजिए और भी दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। यदि जय स्टडी यूट्यूब चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को क्लिक कीजिए ताकि जितनी भी न्यू वीडियोज़ अपलोड की जाए तुरंत आपको नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।